नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टमी टाइम और उसके बेनिफिट्स। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड में जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर क्लिक करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। तो आइए जानते हैं टमी टाइम होता क्या है। टमी टाइम एक सिंपल मीनिंग है कि बच्चों को जो है पेट के बल लिटाना, अपने महीने के बच्चों को टमी टाइम दे सकते हैं। जब बेबी का अम्बेलिकल कॉर्ड जो है वो गिर जाए उसके बाद आप टमी टाइम जो है बेबीज को दे सकते हैं। टमी टाइम कितने देर दिया जा सकता है बच्चों को? टमी टाइम जो है बच्चों को आप शुरुआत करेंगे तो आप धीरे धीरे आप उसको टाइम बढ़ाते जाइए। आप पहले कुछ सेकंड्स के लिए बच्चों को रखें, क्योंकि बच्चे जो हैं डायरेक्टली आप उनको टमी टाइम देना शुरू करेंगे तो वो कुछ अनकंफर्टेबल फील करेंगे। धीरे 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 कुछ सेकंड से बढ़ाते बढ़ाते आप मिनट्स पे जाइए। तो स्टार्ट कीजिए आप 15 सेकंड से और फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते बढ़ाते आप उसको 1 से 2 मिनट तक ले जा सकते हैं। कितने साल के बच्चों से लेकर कितने साल के बच्चों तक आप टमी टाइम दे सकते हैं? तो न्यूबॉर्न बेबी से लेकर बच्चे जब 5 से 6 महीने तक के हो ना जाए तब तक आप उन्हें टमी टाइम दे सकते हैं। बेसिकली जब तक बच्चे फ्लिप करना, रोल ओवर करना ना सीखने तब तक आप बच्चों को टमी टाइम दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चे रोल ओवर सीख जाते हैं अपने आप वो टमी की तरफ जाएंगे और उनको टमी टाइम अच्छा लगने लगेगा। तो कितनी बार दे सकते हैं आप बच्चों को टमी टाइम? बच्चों को आप दिन भर में 3 से 4 बार आप टमी टाइम दे सकते हैं। टमी टाइम के बेनिफिट्स, टमी टाइम के बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो मेन बेनिफिट हैं वो फर्स्ट है कि बच्चों के जो मोटर स्किल्स हैं और सेंसरी स्किल्स हैं वो बहुत ही अच्छे डेवलप होंगे। मोटर स्किल्स मतलब बच्चों का जो नेक कंट्रोल है, हेड कंट्रोल है, वो बहुत ही जल्द संभालना शुरू कर लेंगे। क्योंकि जब आप बच्चों को टमी टाइम के लिए आप रखते हैं तो उनके हाथ जो हैं आगे की तरफ रहते हैं और बच्चे धीरे धीरे जो है ऐसे ऐसे करके अपना सर उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ये नेक पोजीशन है, इसमें काफ़ी अच्छी होल्डिंग आती है जो बच्चों को नेक होल्डिंग के लिए सपोर्ट करती है और धीरे धीरे ये जो मसल्स हैं बच्चे के हाथ के वो भी अपने आप स्ट्रेंथन होने लगते हैं। तो बच्चों का जो ये पोर्शन है नेक और शोल्डर पोर्शन, इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आती है। तो बच्चे जो हैं अपना हेड कंट्रोल सीख लेंगे जल्दी जल्दी, बच्चे जो है रोल ओवर करना सीख लेंगे। तो ये हुआ उनका मोटर स्किल डेवलपमेंट। सेंसरी स्किल्स क्या है? सेंसरी स्किल्स हैं कि जब बच्चों को आप टमी टाइम के लिए उन्हें लिटाएंगे तो बच्चे जो हैं धीरे धीरे चीज़ों को ग्रिप करना सीखेंगे, बच्चे धीरे धीरे चीज़ों को होल्ड करना सीखेंगे। आप जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत ही कम दूरी की चीज़ें देख पाते हैं, लेकिन धीरे 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 उनकी जो देखने की विजिबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। तो जब आप बच्चों को लिटाएं तो उनके आसपास में कलरफुल टॉयज़ रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट्स रखें, वो धीरे धीरे वो चीज़ों को देखेंगे और आप धीरे धीरे बच्चों को, जैसे बच्चे 1 से 2 महीने के हो जाएंगे, चीज़ों को उनके सामने रोल करें। इससे क्या होगा, बच्चे जो हैं चीज़ों मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखना शुरू करेंगे, कलर को देखना शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को देखना, उनको समझना शुरू करेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टमी टाइम का बेनिफिट, वो ये है कि बच्चों को गैस से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आप दिन भर में बच्चों को जो है आप टमी टाइम 3 से 4 बार आप दें तो इससे जो है उनको गैस में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। किन बातों का आपको ज़्यादा ध्यान देना है जब आप टमी टाइम कर रहे हैं?
टमी टाइम जब भी आप बच्चों को दे रहे हैं तो ध्यान दें कि बच्चे जाग रहे हैं और खेलने के मूड में हों। कभी भी सोते हुए बच्चों को टमी टाइम ना दें, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, बच्चों की नाक दब सकती है और बच्चों को ब्रीदिंग इश्यू हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी सोते हुए बच्चों को टमी टाइम ना दें। आप हमेशा बच्चों के आसपास ही रहें जब बच्चे टमी टाइम में लेटे हुए हों। कभी भी बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें। जब भी आप बच्चों को टमी टाइम दे रहे हैं तो उस दौरान आप भी अब बच्चों के साथ में उनके पास में लेट सकते हैं, उनसे हंसेंगे, बात करेंगे और अलग अलग एक्सप्रेशन देंगे, तो बच्चे जो हैं ये प्रोसेस को काफ़ी इंजॉय करेंगे और वो पूरे टमी टाइम के दौरान खुश रहेंगे। तो ये सारी बातें टमी टाइम के दौरान आप ध्यान रखें और इस तरीके से आप अपना मदरहुड जो है वो बच्चों के साथ एंजॉय करें। नमस्कार।